Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you, and welcome to our YouTube channel that is EduOcean Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel, and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can, and please comment it, because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram, as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduOcean Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications, and we will be glad to provide you the educational services. Students, welcome back to the session. पिछले time हमने जो effect of electric current ये chapter start किया था, उसके अंदर हमने electric power supply के बारे में देखा था. अब देखो electric power supply के अंदर हमने क्या देखा, electric effect of electric current देखा था. अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि domestic electric power supply in India, जो हमारे जो daily life है ना, उसके अंदर जब हम electricity का power लेते हैं, तो उसके अंदर आपको बहुत जगह पे आप देखते हो कि थ्री वायर आपको दिखती है, जो पोल रहते हैं इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर मान लो कि ये पोल है, यहां से आपको ऐसे थ्री वायर दिखते हैं ना, कभी भी आप देखते हो ये थ्री वायर, और वो थ्री वायर यहाँ पर इस पोल को अटैच रहते हैं ऐसे, ठीक है? यस. तो ये केबल जो देखते हैं आपको थ्री, वो कैसे कैसे होते हैं, उसकी कलर इंपोर्ट कैसे होता है, और उस केबल से हमारे मीटर, घर के जो इलेक्ट्रिक हमारे होम अप्लायंसेस के लिए करंट आता है ना, उस मीटर को कैसे वायर आती है, कौन सी वायर न्यूट्रल, कौन सी वायर फेज वायर रहती है. तो देखो थ्री टाइप्स के वायर रहते हैं यहाँ पे, ये जो तीनों वायर दिख रहे हैं ना, ये तीन टाइप के रहते हैं. उसके सबसे पहले रहता है फेज वायर, ओके. इसके फर्स्ट वायर कौन सा रहता है, थ्री टाइप का वायर रहती है, जो हमारे स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड से मिलता है, एमएससीबी हम बोलते हैं ना, कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो रहता है हमारा, एमएससीबी बोर्ड, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आता है वो थ्री टाइप के वायर के साथ आता है. उसका सबसे फर्स्ट वायर रहती है, थ्री वायर्स हम देखेंगे, ये देखो थ्री वायर दिख रहा है. ये तीनों वायर का मीनिंग एक बार देखो, ये आपके बुक में ज्यादातर मिलता नहीं है, आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो ना, तो ये भी डेली लाइफ का भी एग्जाम्पल आपको मालूम होना चाहिए, करेक्ट. इसका मतलब आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाई करना है सिर्फ मार्क के लिए नहीं, आपको उसमें से कोई बेसिक नॉलेज मिले. जो भी हम पढ़ाई करते हैं ना, उसको सिर्फ मार्किंग और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोचना नहीं, कभी भी माइंड में एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी नहीं रखना. हाँ, एग्जाम इज इम्पोर्टेंट, आपको टेंथ में मार्क्स अच्छे लिए तो भी आप 11th स्टैंडर्ड को अच्छे अच्छे कॉलेजेस को एडमिशन ले सकते हो, ये 100% राइट है. लेकिन आपको 11th 12th के बाद जो डिग्री का सेशन आएगा, हम जो भी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम जो डेली लाइफ में हमारे मान लो कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है, कोई टेक्निकल फील्ड में एंट्री करता है, तो तब जाकर आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए, सिर्फ मार्किंग के लिए नहीं पढ़ना है. यहाँ पे देखो जो हमारे ये जो पोल के ऊपर जो थ्री वायर रहते हैं, इस थ्री वायर का मीनिंग जानकारी लेना उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, हम डेली ऑन ऑफ करते हैं, टीवी चालू करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उसके बिहाइंड साइंस क्या है ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते. हम डेली लाइफ में मोबाइल में चार्जर यूज करते हैं, उसके पीछे चार्जिंग की कैपेसिटी क्या है, चार्जर के ऊपर कितने करंट सप्लाई होता है, कौन से कितने वोल्ट का वोल्टेज चार्जर के ऊपर है, ठीक है? नहीं आप देखते हो 220 वोल्ट चार्जर के ऊपर रहता है. अब करंट की वैल्यू हमने ये बोला था, पहले करंट का यूनिट एम्पेयर में यूज करते हैं हम, एसआई यूनिट, ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो ये जो एसआई सिस्टम में हम जो यूनिट देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का हमने एम्पेयर देखा. तो आप कभी सोचा क्या आपने कि हमारे घर में देखो वहां कि ये यहाँ पे हमारे पास चार्जर है, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल के चार्जर के ऊपर स्मॉल इसमें आपको वहां पे क्या रहता है, उसकी मार्किंग रहती है, उसके ऊपर कितने करंट का स्पेसिफिकेशंस रहते हैं उसके चार्जर के, कि तुम ये चार्जर किस मोबाइल के लिए यूज कर सकते हो, कौन से कंपनी का चार्जर है वहां पे रहता है. उसके बाद यहाँ पे इस चार्जर की कैपेसिटी कितनी है, कितना करंट वो सप्लाई कर सकता है, वहां पे माइक्रो मिली एम्पीयर में रहता है. देखो
मिली एम्पियर 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 मतलब बड़ी है, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी का करंट। हमें मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती, मेगा एम्पियर मिली एम्पियर ऐसे। तो 0.5 मिली एम्पियर 0.5 एम्पियर ये ऐसे टाइप के कैपेसिटर, और कैपेसिटर भी होते हैं उसके अंदर, उसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी है, कितने वोल्टेज के ऊपर चार्जर चलेगा, ये वैल्यू आप चेक किया करो। ये वैल्यूज आपको चेक करना है। इलेक्ट्रिसिटी जो भी अप्लायंसेस है घर के अंदर तुम्हारे, इलेक्ट्रिक तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक तुम्हारे अंदर फ्रीजर रहेगा, कूलर रहेगा, एसी रहेगी, तो उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करो। कभी भी वो मार्केट में से खरीदते हो ना, तो उसके स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिकेशन है उसको चेक किया करो, ताकि आप कैसे हैबिट लगती है ऐसे करने के बाद। और आपको सबसे मेन बात क्या होती है, उसके ऊपर की यूनिट पता चलते हैं कि मिली एम्पियर सर्वे पड़ा है मिली एम्पियर, ये करंट एम्पियर एक बड़ा यूनिट है, उसका छोटा यूनिट मिली एम्पियर, उसके छोटा यूनिट माइक्रो एम्पियर, ओके ना। तो ये यूनिट आपको पता चलेगा उस चार्जर को रीड करने के बाद। मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, हमारे इंडिया में 220 वोल्ट इतना वोल्टेज यूज करते हैं हम, तो ये 220 वोल्ट आपको बहुत जगह पे मिलेगा। तुम्हारे इलेक्ट्रिक चार्जर के ऊपर देखो मोबाइल के, वहां पे 220 वोल्ट है। तुम्हारे इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर देखो, वहां पे 220 वोल्ट है। तो ये वोल्टेज कैसे होता है, ये आपको वहां पे चेक करना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करना है, एग्जाम को सोच के स्टडी करके मार्क लेके उसको छोड़ नहीं देना है, ये पूरे डेली लाइफ में हमें यूज करके लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डोमेस्टिक पावर सप्लाई इंडिया, इंडिया के अंदर कैसे पावर सप्लाई होता है। वहां पे थ्री वायर होते हैं, उसमें थ्री वायर के अंदर पहले वायर होती है फेज वायर, और उसको हम बोलते हैं लाइव वायर। इसके बारे में बताऊंगा, फेज वायर और लाइव वायर मतलब उसमें से करंट पास होता है, उसमें से करंट पास होता है 100%। उसको हाथ लगाने से शॉक लगता है आपको, उसको हाथ लगाने से शॉक लग जाती है, क्योंकि उसमें से टोटल लाइव करंट मतलब मेन करंट सप्लाई हुए है, उसके अंदर से करंट पास होता है, उसको लाइव वायर बोलते हैं। ओके, अब उसकी कलर इंडिकेशन भी देते हैं। देखो लाइव मतलब थोड़ा सा डेंजर है ना, उसको हाथ लगाने से आपको शॉक लग सकता है, तो ये डेंजर वायर है, इसलिए इसका कलर कैसे होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। आप इसकी एप्लीकेशन और उसके फंक्शन के अनुसार आप उसको कलर भी ये कर सकते हो। तुम्हारे जो वायर होते हैं ना, उसके रेड कलर का वायर मतलब याद रखना कभी भी, वो लाइव वायर है, वो फेज वायर है, उसको हाथ लगाने से शॉक लग सकती है। ओके, तो ये होता है फेज वायर। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रल वायर, मान लो ये एक नंबर की वायर है फेज वायर, ये दो नंबर की वायर है न्यूट्रल वायर, और ये थर्ड नंबर की वायर हम देखेंगे। तो दो नंबर की वायर कौन सी होती है, न्यूट्रल वायर। अब न्यूट्रल वायर मतलब क्या होता है, कि जिसमें से करंट सप्लाई नहीं होता, जो एक्सेस करंट होता है ना वो न्यूट्रल वायर से आता है, बैक करंट उसमें आता है। मतलब मान लो कि हमारे पास यहाँ पे करंट सप्लाई हो रहा है इसमें से, और हमारा डिवाइस ज्यादा यूज नहीं कर रहा, हमारी सब लाइट सब ऑफ है, तो वो करंट जाएगा कहाँ, वो करंट रिटर्न आएगा न्यूट्रल वायर से, ठीक नहीं। ओके, तो ये न्यूट्रल वायर का काम होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो न्यूट्रल वायर का कलर देख लो, ये ब्लू कलर का होता है। न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है, ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का न्यूट्रल वायर होता है। थर्ड वायर देखो, हमारे पास है अर्थिंग वायर, जो कि अर्थ वायर, देखो अर्थ वायर, ओके। अब अर्थ वायर कैसे होगी, अर्थ हम हमारा इंडिकेशन कैसे है, अर्थ से ग्रीन अर्थ होनी चाहिए, तो अर्थ हमारी ग्रीन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट की वजह से हमारे एनिमल अर्थ कैसे थोड़ा सा ग्रीन रहना चाहिए, इसलिए अर्थ का बैलेंस होता है ना ग्रीन रहना। तो ये अर्थ वायर मतलब जो भी करंट आ रहा है ना, मान लो कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, तो ये पूरा एक्सेस करंट कहाँ पे जाता है, अर्थ हो जाता है, मतलब ये पूरा सर्किट यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, अर्थ के अंदर से वो अर्थ को डायरेक्ट करंट सप्लाई हो जाता है। वहां पे कैसे होता है, शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम अर्थ वायर काम आती है, और वो ग्रीन है और येलो कलर की होती है, ग्रीन और येलो कलर। अब देखो ये आपको कहीं पे भी ये डाटा नहीं मिलेगा, बुक में ऐसे सेपरेशन करके नहीं दिया इसका कि ये ऐसे पढ़ो और ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक सिंपल एक दो चार पैराग्राफ के अंदर ये सब इंफॉर्मेशन दी वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन डेली लाइफ में ये एग्जाम्पल, ये एप्लीकेशन, ये सब इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। पैरेलली जो आप पढ़ते हो ना, अब देखो मैं ये सेशन ले रहा हूँ, उसके बाद इमीडिएटली आप घर पे जाकर
घर में ही हो आप, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो घर में होगे तो ये पूरा जो पढ़ा रहा हूँ उसको अप्लाई करके देखो, नॉलेज को मैं जो पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स साइंस कौन सी भी चीज हो रही हो उसको अप्लाइड तरीके से सीखो, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करके देखना है घर पे, ठीक है। जो भी हम पढ़ रहे हैं आप देखो वाइक नहीं हो, अरे सर तो बोल रहे तीन मायर है हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, हम चेक करके देखते ना उसको, ऑब्जर्व चेक करना मतलब उसको टच करके नहीं देखना है, टच करके देखेंगे उसको ऑब्जर्व करना है, थ्री वायर है सर, सर बोल रहे थे क्लास में कि थ्री वायर है, करेक्ट थ्री वायर है, उसमें मैंने देखा कि वहां पे एक वायर फेज वायर होती है, दूसरी वायर न्यूट्रल होती है और थर्ड वायर अर्थ वायर होती है, ठीक है नहीं। तो ये तीनों वायर हमारे यहाँ पे है। अब देखो शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होती है और ओवरलोडिंग क्या होती है, एक टर्म हम देखेंगे, ये तीनों सप्लाई देखें, इसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं, जो इन इंडिया हमारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर के अंदर उसका कनेक्शन कैसे होता है। देखो तुमने 9th स्टैंडर्ड में सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ वायर पढ़ा होगा, तुमने क्या किया होगा जो भी कनेक्शन आते हैं ना सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि कोई भी कनेक्शन सप्लाई देते हो यहाँ पे एक डिवाइस लगाया इसके आगे एक और इक्विपमेंट इसके आगे एक और इक्विपमेंट और आगे जाकर एक करंट जा रहा है, तो मीटर ये मीटर है मान लो ये मीटर इलेक्ट्रिक मीटर, इसमें से ये वायर आ रही है पास होके, ये डिवाइस लगाया टीवी इसको लगाया बल्ब और वहां पे लगाया हीटर, मान लो हमने ये डिवाइसेस सीरीज में कनेक्ट किए, मान लो हमने ये डिवाइसेस सीरीज में कनेक्ट किए तो क्या होगा, और यही डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्ट किए तो क्या होगा मुझे बताओ, सोच लो थोड़ा सा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर से वायर आती है घर के अंदर हम उसको सीरीज में लगाते हैं कनेक्शन उसके सीरीज में देते हैं या पैरेलल में देते हैं, सोचा होगा तो आप मैं बताता हूँ उसका आंसर क्या होता है ना, हमने ये सीरीज में लगाए तो प्रॉब्लम क्या होता है ना आगे जाकर फैन और सब कुछ लगाया हमने तो मुझे फैन ऑफ करना है तो मेरा बटन यहाँ पे होगा, मुझे फैन ऑफ करना है तो मैं फैन को ऑफ कैसे करूँ, मेरा टीवी ऑफ हो जाएगा, मेरा बल्ब ऑफ हो जाएगा, मेरा हीटर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही करंट के वायर के और एक ही कनेक्शन में दिए हुए हमने, मुझे टीवी ऑफ करना है फैन चालू रखना है लेकिन टीवी का बटन यहाँ पे है उसको बंद कर दूंगा तो आगे करंट ही नहीं जाएगा ना, बल्ब बंद हो जाएगा हीटर बंद हो जाएगा हमारा फैन बंद हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है नहीं। हमारे घर के अंदर जो भी करंट की सप्लाई आती है वो ऑलवेज कीप इन माइंड वो पैरेलल कनेक्शन में होता है, क्या होता है पैरेलल कनेक्शन होता है, तुमने 9th स्टैंडर्ड में पैरेलल कनेक्शन वाले देखा होगा कि जो भी सप्लाई हो रहा है ना वोल्टेज का वो कांस्टेंट होता है, ठीक है नहीं, जो हमें चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट कलर वोल्टेज हम यूज कर सकते हैं, ओके okay? तो हमारे ये टीवी को पैरेलल में कनेक्शन किया फैन को, ओके okay? इसके पैरेलल ये हो गया आगे जाकर ये सपोज हमने इसको पैरेलल में कनेक्शन किया, ठीक है। अब देखो हमें टीवी ऑफ करना है तो यहां पे बटन है टीवी का बंद कर दो, करंट जो भी आ रहा है ये यहां से जाके फैन चालू रहेगा हमारा, तो ये होता है पैरेलल कनेक्शन का इंपॉर्टेंस, ये टीवी को पैरेलल में कनेक्ट किया। देखो पैरेलल कनेक्शन का एक बता दो हमें, ये वायर का समझ में आया होगा आपको, पैरेलल कनेक्शन में जो भी घर के अंदर हम कनेक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक मीटर है, अब देखो ये मीटर जो मीटर से जो भी वायर आ रही है हमारे इसको हमने पैरेलल में कनेक्शन किया कैसे, फॉर एग्जांपल ये करंट आ रहा है यहां से करंट की सप्लाई हो रही है, अब देखो यहां पे हमने फैन लगाया पैरेलल, इसके पैरेलल हमने टीवी लगाया, इसके पैरेलल हमने कोई मान लो हमने जैसे वहां पे बल्ब लगाया था, कि तीनों डिवाइसेस हमने क्या किए एक पैरेलल में कनेक्शन कर दिए, ओके ये इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दिया हमने और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन हमने क्या किया एक मेन ऑन ऑफ बटन यहाँ पे रखा और हर जगह पे एक ऑन ऑफ बटन रख दिया, यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन यहाँ पे ऑन ऑफ और यहाँ पे ऑन ऑफ, हमारे ऐसे काम होते हैं, मैं बेसिक डायग्राम निकल रहा है एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, करंट सप्लाई यहाँ पे मीटर है जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे एक बैटरी और सेल लगा देते हैं, यहाँ पे मीटर है हमारा मेन और यहाँ पे मेन स्विच है, हमने स्टार्ट किया स्विच को, इसको स्टार्ट किया करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, अब ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फ्यूज भी लगा सकते हैं, फ्यूज वायर फ्यूज लगाने से क्या होगा मैं बताऊंगा आगे, ये कनेक्शन सीरीज में है इनके पैरेलल में पैरेलल कनेक्शन है। अब देखो मुझे फैन को ऑफ करना है तो मैं इसको क्लोज करूंगा, ये ऑफ हो गया फैन बंद हो गया, लेकिन जो करंट पास हो रहा है ये यहां से जा रहा है, हमारा करंट क्या होगा दोनों में से जा रहा है,
इसका मतलब मेरा टीवी और बल्ब भी चालू है, आगे जो भी डिवाइस है वो चालू रहेगी। मुझे फैन को नहीं, मुझे टीवी को ऑफ करना है, मेरे सब डिवाइस चालू रहने चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको ऑफ कर दूंगा टीवी को, ये यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, करंट जो भी सप्लाई हो रहा है वो इधर जाके फैन को भी जाएगा और इधर आके हमारे बल्ब को भी आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि हमने ये ऑफ कर दिया। तो टीवी पर हमारे जो बल्ब और फैन है वो चालू। तो ये कनेक्शन होते हैं हमारे घर के अंदर डेली लाइफ में। ओके, तो ये सिंपली मैंने बताया ना, ये बेसिक डायग्राम के लिए मैंने, ये कुछ ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, लेकिन मेरे करंट फ्लो कैसे हो रहा है ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप देखो इसके बाद जो भी करंट हमारे सप्लाई हो रहा है वो करंट का वोल्टेज रहता है, ऑलवेज याद रखना 220 वोल्ट। हमारा एमएसबी जो भी बोर्ड है ना, हमारा वोल्टेज कितना प्रोवाइड करता है याद रखो 220 वोल्ट। और करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हम देखेंगे एसी करंट और डीसी करंट के टाइप है, कि एसी मतलब अल्टरनेटिंग और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आगे बता देता हूं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इतना वोल्टेज की वैल्यू और इतनी करंट की वैल्यू। करंट की थोड़ी सी अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको ज्यादा इसका नहीं होगा कि मालूम नहीं है आपको, मैं आगे जाकर एसी करंट जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन आपको फिलहाल याद रखना वोल्टेज कितना रहेगा 220 वोल्ट हमारे मीटर के अंदर। अब देखो ये सीरीज कनेक्शन हो गए, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, जो पैरेलल कनेक्शन, सॉरी पैरेलल कनेक्शन में हमने सब हाउस होल्ड अप्लायंसेस यूज किए, अब उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच अप्लायंसेस विल बी द सेम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 220 वोल्ट ही होगा सब जगह पे, 220 वोल्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखा। अब देखो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको ऐसे रखता हूँ, बता रहा हूँ शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है। अब देखो शॉर्ट सर्किटिंग, अब देखो ये जितने ज्यादा हो गए ना,
लेकिन तुम्हारे करंट की और तुम्हारे इस वोल्टेज की कैपेसिटी एक लिमिटेड है, तुम उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो, इतने फ्रीक्वेंसी के करंट से ज्यादा तुम करंट खींच नहीं सकते हो। तो तुमने ज्यादा पावर के अप्लायंसेस यूज किए, इसका मतलब क्या हुआ, तुम करंट ज्यादा खींच लेंगे। अब ज्यादा करंट आने की वजह से वहां पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ करंट इज मोर बट अवेलेबिलिटी इज लो, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जनरेट होती है और उसमें क्या होता है ना, वहां पे हीट वो क्या करेगा ना, ये सब अप्लायंसेस करंट की डिमांड ज्यादा करेंगे लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, वो ज्यादा खींच लेगा लिमिट से ज्यादा करंट को। अब वो ज्यादा लिमिट से खींचेगा तो ये करंट की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर, और पूरे डिवाइसेस की जो भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के बाहर करंट जाएगा और यहाँ पे हीट जनरेट होगी, पूरे जल जाएंगे पूरे डिवाइसेस, उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग का। अब देखो उसको मिनिमाइज कैसे करें, शॉर्ट में बताता हूँ इसको मिनिमाइज कैसे करें ताकि ये पूरे अप्लायंसेस जल ना जाए। ये बहुत कॉस्टली है ना, ये हमारे पास गीजर है, हीटर है, कूलर है, एसी है, ये जो अप्लायंसेस है बहुत कॉस्टली है, और उसको एक बार जल गए मतलब वो हम यूज से बाहर जाएंगे, तो उसको रोकना कैसे है। उसको रोकने के लिए बहुत तरीके हैं, सबसे बेस्ट तरीका हम बताएंगे। उसको क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर लगा सकते हो फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होती है, यहाँ पे भी फ्यूज वायर के अंदर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, जो पिछले सीजन में हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज वायर में कैसे यूज होगा। फ्यूज वायर क्या करती है ना, जब कोई शॉर्ट सर्किटिंग होगा, कोई ओवरलोडिंग होगा, ये ज्यादा करंट पड़ गया, तो फ्यूज वायर एक ऐसे वायर से बनती है जहां पर उसकी मेल्टिंग पॉइंट एक कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है, कम होता है। जब करंट की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा बढ़ेगी उसके अंदर हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने के बाद ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है और ये कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देता है। फ्यूज वायर क्या करती है, एक लिमिट से ज्यादा करंट पड़ गया, इस फ्यूज वायर का लिमिट से ज्यादा करंट पड़ गया तो ये ब्रेक हो जाती है और यहाँ से करंट सप्लाई पूरा बंद हो जाता है। और यहाँ से करंट सप्लाई बंद हो गया मतलब ओवरलोडिंग होने दो या शॉर्ट सर्किटिंग होने दो, ये दोनों की वजह से ये पूरे अप्लायंसेस हमारे सेफ रहते हैं। तुम कभी देखो रेनी सीजन में क्या होता है ना, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने के बाद शॉर्ट सर्किटिंग होती है, वहां पर फायर लगने के बहुत से चांसेस होते हैं। ये फायर लगने की वजह से क्या हो रहा है, और नहीं तो हमने ज्यादा अप्लायंसेस यूज किए, ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है। ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम में ये हम देखते हैं कभी कि हमारे घर के अंदर, तुम कभी देखते हो तुम्हारे घर पे वहाँ पे एमसीबी लगा हुआ रहता है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, वो एमसीबी क्या करते हैं ना, उसमें भी फ्यूज वायर रहती है, वो मॉडिफाइड फॉर्म है इस फ्यूज वायर का। अब ये फ्यूज वायर ज्यादातर मॉडिफाइड फॉर्म में आ रहे एमसीबी के इसमें, ओके। तो क्या हो रहा है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के टाइम में ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जा रही है, और मेल्ट होने के बाद ये करंट सप्लाई ब्रेक हो जा रहा है, ओके। देखो ये मीटर, ये तीन वायर है ना, यहाँ पे इधर है तीनों वायर, तीनों वायर से ये पोल की तरफ से मीटर में आ रहा है, तीनों वायर में कांटेक्ट आ गया तो ये पूरे अप्लायंसेस चलने चाहिए, लेकिन फ्यूज वायर होने की वजह से ये हीट जनरेट यहाँ पे हो रही है, मेल्ट हो जा रही है, इसकी वजह से करंट आगे नहीं जा रहा है, हमारे ये जो अप्लायंसेस है वो बच रहे हैं, किससे, जलने से। हम उसकी क्या कर रहे हैं, जलने से रोक रहे हैं। तो ये फ्यूज वायर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तुम्हारे घर में बहुत जगह पे तुम फ्यूज वायर को यूज करते हो, तुम देखो कभी चेक करके देखो फ्यूज वायर क्या होती है, हमें सिर्फ मालूम है फ्यूज ही होता है लेकिन उसका काम मालूम नहीं, ठीक है। तुम एग्जाम पॉइंटेड के लिए तुम पढ़ते हो फ्यूज वायर ऐसे ऐसे होती है, उसको ये होता है, एग्जाम हो गई सब भूल गए, नहीं, तुम्हारे डेली लाइफ में यूज करना फ्यूज वायर का काम क्या होता है, मैंने जो जैसे कनेक्शन पता है सीरीज में कैसे होता है, पैरेलल में कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम है इसलिए पढ़ना और बाद में उसको छोड़ना ऐसे नहीं करना, ओके। तुम्हारे थ्रू आउट द लाइफ आपको याद रहना है ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जो भी पढ़ते हो तुम, तुम्हारे लाइफ में पूरा याद रहना चाहिए तुम्हें, वो प्रैक्टिकल अप्लाई करना चाहिए, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है, जैसे पढ़ रहे हैं ये होने के बाद पैरेलल उसको यूज करके देखना डेली लाइफ में। मैंने क्या बोला, आपको चार्जर को देखना है इलेक्ट्रिक, तुम्हारे मोबाइल का चार्जर उसके ऊपर की स्पेसिफिकेशन चेक करना, तुम्हारे घर के बल्ब है उसकी पावर कितनी है वैट में चेक करना, ये आपकी टास्क है इस सेशन के बाद। मैं आगे सेशन में आपको पूछूंगा कि आपने किया है नहीं, आपकी टास्क यही है कि आपको पूरे जो भी इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल उसको चेक करके देखना है, उसकी मार्किंग क्या क्या है उसके ऊपर, कितनी वैट है, कितना करंट यूज कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग के लिए हम फ्यूज वायर यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं, फ्यूज वायर की जगह पे उसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वो क्या काम करता है, ओवरलोडिंग होने के बाद सर्किट को ब्रेक कर देता है, ओके। तो अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि इसका ये पूरा, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ये डेली लाइफ में उसको पैरेलल करके आपको चेक करना है, ये टास्क आपकी है इस सेशन के अंदर, ओके। इसके आगे सेक्शन हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है,
मिनीचर सर्किट ब्रेकर कैसे है, स्विचेस क्या क्या यूज करते हैं, तुम उसके रिलेटेड डाटा बहुत सा अवेलेबल है आपको नेट के ऊपर। स्टैंडर्ड साइट के ऊपर जाना, उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करना, MCB डालो नेट के ऊपर, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, उसकी पिक्चर आपको दिखती है, इमेजेस देखो कैसे कैसे होता है। तुम्हारे घर के अंदर ना मीटर के वहां पे रहता है, वो बटन रहते हैं ना ऑन ऑफ के, वो पूरे डाउन हो गए तो तुम्हारे सब घर की लाइट चली जाती है, क्योंकि वो मेन फ्यूज वायर से काम करता है। ओवरलोडिंग हो गए तो वो पूरे नीचे गिर जाते हैं, हम बोलते हैं कि अरे बटन गिर गया उसको ऊपर करो, तो ये क्या होता है ना, वो ओवरलोडिंग की वजह से होता है वैसे। तो ये मिनीचर सर्किट ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अप्लायंसेस को बचाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, अगले सेशन में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। ओके, तब तक ये हम उसको रिवाइज करो अच्छे से और इसके नोट्स बनाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर उसको ड्रॉ करके उसके अपनी ओन लैंग्वेज में उसके नोट्स फॉरवर्ड करो।